ചക്ഷോരുന്മിതസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഗുരവേ ഗൗരചന്ദ്രായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. വാഞ്ഛാകൽപതരുഭ്യഃ കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോഹാവതാരനായ കൃഷ്ണപ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരദൃശേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപീശ ഭവിതാകാന്ത ശ്രീരാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി നമോ നമ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ ബല ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. സർവപ്രഥമ മേരി ഗുരുപാദ പദ്മ നിത്യലീലാ പ്രവിഷ്ട വിഷ്ണുപാദ അഷ്ടോത്തര സദശ്രീ ശ്രീ ശ്രീമാദ് ഭക്തിശ്രീരൂപ് സിദ്ധാന്തി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ചരണ കമലന് അനന്തകോടി സാഷ്ടാംഗ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം കർത്താം. തത്പശ്ചാത് മേരി ശിക്ഷാ ഗുരുപാദ പദ്മ നിത്യലീലാ പ്രവിഷ്ണ വിഷ്ണുപാദ അഷ്ടോത്തര സദശ്രീ ശ്രീ ശ്രീമാദ് ഭക്തി വേദാന്ത ശ്രീല നാരായണ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ചരണ സരോജ മേ ശ്രദ്ധാ പുഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പണ കർത്താം. ഉപസ്ഥിത് വൈഷ്ണവ വൈഷ്ണവീ സജീവമേ യഥാജ്യോഗ പ്രണാമം കർത്താം. ഹരി കൃഷ്ണ. കഥകളിലെ നമ്മളോ ശ്രവണ കരുതേ ഗോപിയാ കൈസ കൃഷ്ണ ബിരഹ മേ കൃഷ്ണ കോ റോ റോ കരകെ പുകാര രഹി ഥി. ക്യാ ബോൽ രഹി ഥി? ലഗ്താ ഹൈ തു ജസോദാ നന്ദന ഹൈ, ക്യോംകി അഗർ തു ജസോദാ നന്ദന ഹോതാ തോ ജസോദാ തോ ബഡി ദയാ ബഡി കൃപാലു സബ്കൊ ജസ് ദേതി ഹൈ. कम से कम माँ का तो थोड़ी गुण तेरे अंदर में आता है, इसलिए लगता है तू यशोदा नंदन है ही नहीं. इसलिए हमारी विरह को देख करके भी तुम तुम्हारे हृदय पिघल नहीं रहा है, इसलिए जब ऐसे लगता है तुम ब्रह्मा जी की बुलाने पर प्रार्थना करने पर जगत में तुम प्रकटित हो गए. ब्रह्मा जी को बुलाने पर जब ब्रह्मा जी बुलाए क्यों? ब्रह्मा जी इसलिए बुलाए कहते जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान धर्म से तदात्मान सृजामि. इसलिए अधर्म फैलने लग जाए, वो ब्राह्मण हैं स्त्री पृथ्वी के ऊपर में वेद के ऊपर में जब अत्याचार हो तब ब्रह्मा जी बुलाते हैं. बुलाने पर जगत में आप आ करके जीवों को दुख को हरण करता, जीवों के दुखों को हरण करते हो. इसलिए ब्रह्मा जी बुलाने पर तुमने आए हो. जब ब्रह्मा जी बुलाने पर तुम आए हो इसलिए अभी तुम्हें क्या करनी चाहिए? हम भी तो जीव है ना, हम भी तो जीव है ना. इसलिए जब हम जीव है फिर हमारी हम फिर तुम विरह क्यों दे रहे हो हमें? तुम दुख को फिर क्यों दे रहे हो? इसलिए हम सभी के ऊपर में तुमको कृपा करना पड़ेगा ही है, कृपा करना पड़ेगा. इसलिए फिर उसका एक उल्टा अर्थ भी बताया. इसलिए ब्रह्मा जी बुलाने पर अब आए हो ना, ब्रह्मा जी बुलाने पर अब आए हो. जब ब्रह्मा जी बुलाने पर आए हो, ब्रह्मा कौन है? जगत को सृष्टि करते हैं. तो हर व्यक्ति चाहता है मेरे सृष्टि स्थिर हो, कोई नहीं चाहता है मेरा सृष्टि नष्ट हो जाए, सब चाहते मेरे सृष्टि रहे. इसलिए ब्रह्मा जी बुलाने पर इसलिए आप आए हो. अगर आपको दर्शन करने पर क्या होता है? जीव भव बंधन से जीव को मुक्ति मिल जाती है, भव बंधन से जीव को मुक्ति मिल जाती है. अगर हर व्यक्ति भगवान को दर्शन करते हुए अगर संसार से इनके मुक्ति मिल जाएगी फिर तो ब्रह्मा जी का काम तो बंद हो जाएगा, ब्रह्म का बिजनेस बंद हो जाएगी. इसलिए लगता है आप हमें दर्शन नहीं दे रहे हो. इसलिए
एक श्लोक को कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक स्तुति परक, एक स्तुति परक और एक है कृष्ण को ताना मारते हुए, हैं दो अर्थ कर रहे हैं, एक स्तुति अर्थ है और एक उनको व्यज स्तुति, मतलब ऊपर से लगता है जैसे कृष्ण को क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन हृदय से बड़े प्रेम, हृदय से बड़ी प्रेम की बात है। इसलिए कल हम उसको श्रवण किया था, अभी उसको बाद में गोपियां कह रही हैं, क्या कह रही है? विरचिता भयं वृष्णि दुर्जते शरणमिव सा संश्रितेर्भयात् करसरोरुहं कान्तका अमद देना श्री कर ग्रह। कहते ये श्लोक में ये बता रहे हैं अगर कृष्णा अगर ये बोलता है कि देखो गोपियां मैंने जो छुप गया था ना कहीं मैंने छुप गया था इसलिए छुप गया था तुम लोगों के साथ में हंसी दिलाई करने के लिए मैंने छुप गया था लेकिन वास्तव में मैंने कहीं छुपा नहीं केवल तुम्हारे साथ में हंसी दिलाई करना चाहता था इसलिए मैंने छुप गया था। अभी बताओ अभी मैं संतुष्ट हूँ तुम्हारे ऊपर हैं अभी मैं खुश हूँ अभी बताओ तुमको चाहिए क्या किस लिए मेरे को तुम लोग बुला रहे हो। तब गोपियाँ यहाँ पर कह रहे हैं बोले इसलिए बुला रहे थे बोले विरचिता भयम वृष्ण धूर जते चरण मीसाम संसित भया। तब भगवान कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान के शरीर में कितने कमल है कहते आठ कमल है कितना कमल है क्या क्या है बोलो क्या क्या कमल भगवान के शरीर में आठ कमल क्या है ये आँख दो चरण हो गया कितना हो गया सात और एक नाग याद रहेगा कल मैं पूछूंगा। इसलिए भगवान के शरीर में कहते आठ कमल है इसलिए भगवान का हर चीज में उन्होंने कमल को साथ में उदाहरण दिया इसलिए कहते ना निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीत तल जे छाया जगत जुड़ाए। इसलिए भगवान के हर अंग को कमलों के साथ में उदाहरण दिया बोले कमलों के साथ में क्यों उदाहरण दिया बोले कमल में बहुत सारे गुण है कमल में बहुत सारे गुण कमल में है जिस गुण का कोई सीमा नहीं देखने में बड़े सुंदर है इसका मधु आँख के लिए अच्छा है मधु इसलिए कमल मधु को पान कर शरीर के लिए अच्छा है इसलिए मन को बड़ा आनंद देता है देखने पर मन को सकुन देता है सुख देता है कमल में तो बहुत इसलिए कहते ना श्री गुरु चरण पद्म केवल भकती सदमा इसलिए गुरुदेव का चरण को भी कमल को साथ में उदाहरण दिया। कहते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले बंदाओ गोरो पद पदो मा परागा सोरोचि सुबा सरस अनुरागा। गोस्वामी जी भी उन्होंने बंदाओ गुरु पद पद्म परागा जो गुरु जी के चरण को वंदना करते हैं वहां भी कमल के साथ बोले क्यों बोले सुरुचि सुबास सरस बहुत बहुत विशेषण देते हैं गुरु जी के चरण बट ठाकुर का चरण क्यों कमल के साथ में उदाहरण दिया बड़ा सुंदर बड़ा मनोहर बड़ा प्रेम था इसमें बहुत बहुत व्याख्या की क्यों कमल के साथ में। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहते हैं श्याम सुंदर कहते चरण मीव सा संसितेर भया कहते अगर कोई तुम्हारी चरण को आश्रय ग्रहण करे ना चरण को कोई आश्रय ग्रहण करे कहते उसमें क्या होता बोले संसितेर भया कहते जो संसार का भय से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी बताए भक्ति विनोद ठाकुर वहां पर एक कीर्तन में कहते हैं बोले आत्मनिवेदन
तू आपद करी हाइनो परमा सुखी दुखा दूर गेला चिंता ना रहिला चौदिगे आनंद देखी अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दय ताहाते खान विश्राम लभिया छाड़ीनो भवेर भय। तो भक्तिमान ठाकुर वह कह रहे भगवान की चरण में है क्या चीज है, इसलिए भगवान की चरण में है क्या चीज, कहते हे प्रभु अगर तुम्हारी चरण में कोई आश्रय ग्रहण करता है, कहते भव संसार से भय से पार हो जाता है। क्यों? बोले भगवान की चरण में तीन चीज, कितना चीजें बोले तीन चीज क्या है, बोले कि अशोक, एक अभय और एक अमृता। भगवान की चरण में कोई शरण ले पास कोई शोक नहीं रहेगा, तुम्हारी कोई शोक नहीं रहेगा। इसलिए भगवान राम स्वयं कहते हैं, हाँ, भगवान प्रतिज्ञा करके सात समुद्र को साखी करके भगवान स्वयं कहते हैं, बोले सकृत एव प्रपन्ना जस तवाम स्मितते जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम यतत व्रतम मम। भगवान कहती है मेरी व्रत है, जैसे हम लोग एकादशी व्रत रखते हैं ना, जन्माष्टमी व्रत रखते हैं, भगवान कहते हैं भैया तुम लोग भी रखते हो, मैं भी कोई व्रत रखता हूँ। कहते केवल जीव ही व्रत रखते हैं, इसलिए मैं भी व्रत रखता हूँ। बोले भगवान क्या क्या व्रत है, बोले सकृत, सकृत मतलब एक बार अगर कोई निष्कपट होकर, कपट था नहीं, कोई अगर निष्कपट होकर एक बार बोल दे ठाकुर जी मैं तुम्हारा हूँ और जो आप हो मेरे हो, मैं आपका आप मेरे हो, अगर एक बार कोई बोल दे सच हृदय से, भगवान क्या प्रतिज्ञा करते हो, अभयम सर्वदा तस्मयी, मैं उसको हर समय अभय प्रदान करता हूँ। कोई डर भय, तुम्हारी कोई डर भय नहीं, निर्भय तुम हो, हैं निर्भय तुम हो। इसलिए देखो उदाहरण देते, जो रावण नाम सुने रावण का, कहते रावण कहती है लंका को देखो, प्रभु की शरण में आने का, चरण में आने का कितना महत्व है। रावण जिस लंका को पाने के लिए, उसका नाम कहते दशानन, दशानन जिसका 10 सर है, कहते जिस लंका को पाने के लिए रावण ने 10 बार अपना सर को बलि चढ़ा दिया था, हैं 10 बार उसने बलि चढ़ा दिया था, बड़ी कठोर तपस्या उसने किया, ये लंका की सोने की लंका पाने के लिए कठोर तपस्या किया, ऐसे सोने की लंका उसको नहीं मिली, कठोर तपस्या की। लेकिन देखो प्रभु की शरण में आने का, प्रभु की चरण में आने का कितने महत्व है। हमारे श्री विभीषण क्या किया, जब उसने रावण उसको ठोकर मार कर भगा दिया है, उसने प्रभु राम की शरण में आया, लेकिन जब प्रभु राम की शरण में आ गया, केवल ठाकुर के चरण में प्रणाम, बस इतना हो गया और कुछ नहीं। एक बार उन्हें राम चरण में शरणागत हो गया, भगवान राम ने क्या किया, राज तिलक लगा, जाओ लंका का तो राजा बन गया। लंका पाने के लिए उनको, लंका पाने के लिए रावण को इतने कठोर तपस्या करना पड़ा, लेकिन विभीषण ने क्या किया, केवल प्रभु का चरण में एक बार प्रणाम कर लिया, केवल चरण में प्रणाम कर लिया, भगवान राज तिलक लगा, जाओ लंका का तो राजा बन गया। इतने में हमारे सुग्रीव भी बोले, सुग्रीव भी आकर बोले प्रभु क्या कर रहे हो, अभी रावण को मारे ही नहीं, अब पहले से आप राज तिलक लगा दिए हैं। इसलिए भगवान को सत्य व्रतम, भगवान की जो व्रत, भगवान जो बोलते हैं ना, कहते वो सत्य होता है, वो झूठ नहीं होता, भगवान एक बार जो बोलते वो सच होता है, भगवान का वाक्य कभी झूठा नहीं होता है। इसलिए सुग्रीव ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो, अभी रावण को मारे ही नहीं, पहले आप राज तिलक लगा दिया। अगर रावण 1% आपकी शरण में आ गया, फिर क्या करोगे, अब तो भगवान जो बोलते हो सच हो ना, अगर वो 1% अगर आपका शरण में आ गया, फिर आप उसको क्या दोगे, अब तो लंका का राजा बना दिया विभीषण को, फिर रावण को क्या दोगे, भगवान क्या कहते हैं, बोले अगर मेरे शरण में आ जाएगा ना, मैं उसका अपना अयोध्या दे दूंगा। बोले तू मेरे अयोध्या दे, बोले अयोध्या दे दोगे, अयोध्या को तो भरत को दे करके आएगा, अभी अयोध्या का राजा कौन है, भरत है, फिर भरत को क्या दोगे, बोले भरत को अपना गोलोक वृंदावन दे, अपना वैकुंठ लोक दे दूंगा, अपना उसको
अपना संकेत धाम दे दूंगा। बोले भैया रावण को दे दोगे अपना अयोध्या, भरत को दे दोगे अपना, फिर आप कहाँ रहोगे? आपको तो रहने के लिए कुछ जगह चाहिए ना। बोले भैया मेरे को रहने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, भक्तों का हृदय ही मेरा स्थान है, जहाँ पर मेरे भक्त मत भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठा मि नारद। नारद जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते में वहीं रहता हूँ, मेरे को कहीं रहने का जगह की कोई जरूरत नहीं। भगवान इतने दयालु, कद भगवान की चरण में शरण में आने का, हाँ केवल एक बार ठाकुर के चरण में शरणागत हो जाओ, बाद तुम्हें जीवन का सारे संपत्ति मिल जाएगी, सारी संपत्ति आपके चरण से मिल जाएगी। इसलिए कहते प्रभु आत्मनिवेदन पद कर परम सुखी। जब भगवान की शरण में कोई आत्मनिवेदन कर दे, बस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है प्रभु की चरण में। दुख नाम का कोई चीज है नहीं। बोले दुख दूर गेलो चिंता न रहेलो। बोले अभी तक तो हम बड़े दुखी थे, देखो कितने बड़ी बात बख्शी ठाकुर कहते, अभी तो हम लोग बड़े दुखी थे। दुखी है ना, कोई कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई काम से दुखी दुखी। बोले कब तक जीव दुखी रहता है? बोले तब तक दुखी रहते हैं जब तक आपकी शरण में नहीं सकते। आपकी शरण में जब हम आपकी शरण में आ गए, फिर दुख की चीज की है। देखो एक उदाहरण देख रहे बताए, प्रभु की शरण में आने का, जैसे एक छोटा बच्चा है? जैसे एक छोटा बच्चा वो किसकी शरण में रहता है? माँ और बाप की शरण में। बच्चे खाने का चिंता करता है? बच्चे पहनने का चिंता करता है? बच्चा रहने का चिंता कर, मस्ती से खेलता कूदता है, वो खेलता कूदता बच्चा, उसको कोई चिंता नहीं खाने का, रहने का, सोने का कोई चिंता ही नहीं, वो आनंद से मस्ती से आनंद लेता है। बोले क्यों? कारण है वो पिता माता की शरण में, चरण में वो शरणागत है। अगर अगर पिता माता भी भोजन नहीं करे, हैं पिता माता भोजन नहीं करे, लेकिन पहले चिंता करते हैं बच्चे कैसे खाएगा, बच्चे कैसे सोएगा, बच्चा कैसे रहेगा। इसलिए उसका चिंता किसकी है? ठाकुर की चिंता है। इसलिए जब हम श्री ठाकुर की शरण में आ जाए ना, फिर हमें किसी चीज की चिंता नहीं। बोले दुख दूर गेलो चिंता ना रही लो, प्रभु हमारे सारे दुख चला गया, अभी हमारे कोई चिंता नहीं। बोले चौधरी का आनंद देख, शरणागति का कितना महत्व कह रहे। बोले चौधरी का आनंद देखे, मतलब चारित में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। बोले क्यों? बोले जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग भरी हुई। बोले जिसको भगवान रखा करते हैं उसको कोई भी बिगाड़ कुछ नहीं सकते, कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकते। इसलिए यहाँ पर गोपियां कह रही है, बोले हे प्रभु, बोले चरण मीसा कत प्रभु, तुम्हारी चरण जो अमृत है तुम्हारी चरण में। इसलिए भक्त मनो ठाकुर कहते हैं, बोले चरण कमले अमी आउ चले ताहते नूपुर दाम। इसलिए इसलिए भक्त मनो ठाकुर कहते, बोले चरण कमले अमिया उछले। बोले ठाकुर के चरण में क्या है? बोले अमिया, अमिया मतलब अमृत, उछले मतलब छलकता है। भगवान के चरण में अमृत हर समय छलकती रहती है, अमृत ठाकुर का चरण में है छलकती, समझते ना, इसलिए उफनती रहती है भगवान के चरण में, छलकती रहती है चरण भगवान के चरण में। इसलिए यहाँ पर गोपियां कह रही है, प्रभु अगर तुम्हारी चरण में कोई शरणागति हो जाए ना, बोले संसार भया कहते, वो संसार का भय से अपने आप उद्धार हो जाता है जो प्रभु का चरण में शरणागत हो जाते हैं। बोले विराजिता अभयम, बोले विष्णु धुर्जते, उनको गोपियां उदाहरण क्या देते हैं? कहते विष्णु धुर्जते, बोले वृष्णि वंश में तुम तिलक स्वरूप है, वृष्णि वंश में, हाँ वृष्णि वंश में तुमने एक तिलक मतलब एक महान पुरुष रूप में तुमने जन्म ग्रहण किए हो। बोले कर सरोरुभम कांत कामदम शिरसि देहिनाम श्री कर ग्रहम। बोले कर सरोरुभम कहते, एक तो वहां पर बताए भगवान के चरण में अमृत है, कि भगवान के हाथ कमल है, भगवान के हाथ कमल है, हस्त कमल है, हैं भगवान के चरण कमल है,
जैसे चरण कमल है कहते भगवान का हस्त भी कमल है, हस्त कमल करो सरोरुवम, मतलब आपका हाथ भी कमल है, हैं कहते हाथ कमल मतलब कांत काम भगवान, अगर किसको सर पर हाथ रख देना, हाँ किसके सर पर ठाकुर जी अगर हाथ रख ले बस उनका कल्याण ही कल्याण है, कहते भगवान का हाथ रखते ही बोले काम दम, बोले काम दम मतलब क्या होता है, बोले भगवान जिसको पर हाथ रखते उसका सारी कामना वासना पूरी हो जाएगी, सारी कामना वासना पूरी हो जाएगी, है बोले एक समय श्री नारद जी पांडवों के घर में पहुंचे, नारद जी पांडवों के घर में पहुंचे, जब पांडवों के घर में पहुंचे तो पांडवों ने नारद जी बड़ी पूजा सेवा की, नारद जी गुरु है बड़ी सेवा पूजा की, और गुरु जी आने पर कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा, बोले गुरु जी क्या दक्षिणा चाहिए आपको, क्या दक्षिणा चाहिए, बोले एक दक्षिणा दोगे, बोले बताओ, बोले कृष्ण का जो हाथ है ना वो ला करके मेरे सर पर रख लो, कृष्ण का हाथ लाओ और मेरे सर पर रख लो, इतने में देखो भगवान सहज में किसको पर थोड़ी हाथ रख लेते हैं, इतने आसानी नहीं भगवान किसको सर पर हाथ रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाया भगवान ये पांडवों का प्रेम में कितने बसे होते हैं, ये पांडवों का प्रेम जब बोले कृष्ण का हाथ ला कर सर पर रख दो, देखो कितने भगवान कितने प्रेम में बसे होते हैं, इतने में युधिष्ठिर महाराज बोले कृष्ण हाथ ला के इधर उनका सखा है ना, और युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े, इसलिए इनके अंदर में एक वात्सल्य रस भी है, इनके अंदर में सख्य रस भी है और दास्य रस भी है इनके अंदर, इसलिए बोले कन्या हाथ इधर ला, कृष्ण हाथ उठ दिया, बोले ये हाथ को लेकर के उन्होंने नारद के सर पर रख दिया, जब नारद का सर पर रख दी नारद जी प्रेम में इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, बोले युधिष्ठिर गुरु दक्षिणा तो मेरे को बहुत भक्त लोग ने गुरु दक्षिणा बहुत दिया है, लेकिन आज तुमने जो गुरु दक्षिणा हमें दिया है ना, ये गुरु दक्षिणा अभी तक हमें किसने दिया ही नहीं, सबसे बड़े गुरु दक्षिणा क्या ठाकुर जी मेरे सर पर हाथ रख, अगर किसको हाँ कहते ना मेरे सर पर हाथ रख दो राधा रानी, अगर भगवान किसके सर पर हाथ रख दे बस कल्याण ही कल्याण, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले करो सरोरुह कांत कामदम, भगवान जिसके सर पर हाथ रख देंगे उसका फल क्या है, बोले इसका फल यहाँ पर बता रहे, इसका फल है पहले तो धर्म अर्थ और काम, हाँ जो त्रिवर्ग है, हाँ लोग चाहते धर्म जाचन करे, धर्म जाचन करके क्या हो धर्म, उसको द्वारा हमें अपना काम की इच्छा पूर्ति हो धर्म, उसके बाद में अर्थ प्राप्ति हो, अर्थ को द्वारा दान पुण्य करे, संसार का काम को भोग करे, स्वर्ग जाए, लेकिन भगवान की जो कृपा से क्या मिलता है, बोले धर्म अर्थ और काम, बोले यही क्या भगवान की कृपा है हाथ रखने का, बोले नहीं ये तो तुच्छ चीज है, हैं बोले मोक्ष इससे ऊपर जो चीज मिलती है मुक्ति मिलती है, कहते भैया ये यही भगवान की जो काम दम भगवान के हस्त कमल रखन यही क्या सर्वश्रेष्ठ, बोले नहीं ये भी नहीं, इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म प्रोहित कैतव अत्र, इसलिए भागवत में बताया, भागवत में तो धर्म अर्थ काम को तो निकाल दी गई, हाँ भक्त ये चीज नहीं चाहते, यहाँ तक भी मुक्ति प्रोजित प्रोजित मतलब होता है पूर्ण रूप में मुक्ति को भी निकाल दिया गया है, भक्त लोग मुक्ति बोले दियमान अपन गृहति मत सेवक सेवन बिना कर देने पर भी मेरे भक्त लोग मुक्ति लेते ही नहीं, किंतु मुक्ति को कपटता मानी गई है, तार मध्य कैतव प्रधान जा है ते कृष्ण भक्ति रहे अंतर्धान, भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते वो कपट है, हैं क्यों, जो मुक्ति पाना चाहते हैं इसमें कृष्ण सेवा की कोई वासना है ही नहीं, संसार में दुख भोग कर रहे हैं इसलिए मुक्ति मिल जाएगा तो ठाकुर को सेवा नहीं करेंगे, क्या करेंगे वाह मुक्त होकर चले जाएंगे ब्रह्म ज्योति मिलीन हो जाएगी, बोले कहते ये कपट है, बोले क्यों कपट है, कहते जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सबके सब कौन है, बोले भगवान का नित्य दास है, पर हमारे कर्तव्य क्या, बोले भगवान की दासों की लड़ना, भगवान की सेवा ही हमारा धर्म, और तो कोई धर्म है ही नहीं, इसलिए तब भगवान के आशीर्वाद से क्या मिलेगा, आशीर्वाद से कहते प्रेम पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, हैं प्रेम कहते उससे भी
तृप्ततम मुख्य उससे भी श्रेष्ठ वस्तु है। कहते प्रेम से भी कोई एक श्रेष्ठ वस्तु है। कहते क्या है, बोले प्रिय जन भस्यता और रसिकता गुण सर्वश्रेष्ठ हस्ते शीतलता मधुरता स्वतः सिद्ध। भगवान की जो हाथ है शीतलता मधुरता जिसको द्वारा क्या प्राप्त होगा, बोले उसको द्वारा प्रिय जन भस्यता भगवान का कृपा होने पर जो सर्वश्रेष्ठ फल है, जैसे उसमें ब्रज में विशेष व्यक्ति भी प्रेम है, एक सख्य एक वात्सल्य और एक मधुर, सख्य वात्सल्य मधुर, कहते ये तीन प्रेम प्राप्त होता है जिसको वशीभूत हो जाते हैं भगवान, इतने वशीभूत हो जाते हैं भक्तों का झुटन खाते हैं कृष्ण, कृष्ण को घोड़ा बना देते हैं, मैया दशदा उखल में बांध देते हैं, गोपियों के चरणों में कृष्ण गिरते हैं, प्रेम की भीख मांगते हैं उनके चरणों में, प्रेम की भीख मांगते हैं। और राधारानी मान करे तो बोले हे भगवान, कृष्ण कहते हैं भैया मेरे को गिरिराज उठाने में जितने ताकत नहीं लगा, कालियों को नथने पर जितना ताकत नहीं लगा है, मेरे को अघासुर बकासुर को मारने में जितने ताकत नहीं लगा। जब राधा रानी मान कर लेती है हे भगवान, उनको मान उतारना कितने कठिन होता है, मान उतारना इनकी उससे भी मेरे को ताकत लगाना पड़ता है। पता नहीं कभी श्यामा सखी रूप धारण कर लेते हैं, कभी उन्होंने पाले हारिणी मल्ली हारिणी पता नहीं क्या क्या रूप कृष्ण धारण करते हुए, कदम में तो बड़े सुंदर चरण सेवा करना जानता हूँ, राधा रानी के चरण की जवाते हैं, राधा रानी को श्रृंगार करते हैं। इसलिए कहते भगवान की जो हस्त है यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर को तो क्या प्राप्त होता है, इनकी हस्त की अगर कृपा अगर मिल जाए ना क्या वस्तु प्राप्त होगा, बोले सर्वश्रेष्ठ वस्तु जहाँ पर कृष्ण जिनके प्रेम में संपूर्ण रूप में भक्तों के प्रेम में भगवान वशीभूत हो जाते हैं इनके प्रेम में, इसलिए उनको प्रेम प्राप्त हो जाता है। कहते आपका जो हस्तकमल है, कहते हस्तकमल लक्ष्मी देवी सर्व संपत्र अधिष्ठात्री, हाँ कहते लक्ष्मी देवी कौन है, कहते सर्व संपत्ति का अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी, बताओ कौन लक्ष्मी का कृपा नहीं चाहते, लक्ष्मी का हाथ ऐसे रहते हैं, सारा दुनिया लक्ष्मी के लिए पागल है, इतने पढ़ाई लिखाई क्यों किया, इतना 8 घंटा 10 घंटा क्यों काम कर रहे हो, किस लिए काम कर रहे हो, लक्ष्मी है ना हीरो, हीरो के बगैर सब जीरो है, इसलिए हीरो के लिए पैसा के लिए सब के सब पैसा के लिए ही सारे परिश्रम, श्री पैसा के लिए हम करते सारे परिश्रम केवल पैसा के लिए करते हैं, इसलिए कहते ये, लेकिन ये जो सर्व जो अधिष्ठात्री देवी पैसा की जो अधिष्ठात्री देवी जो लक्ष्मी है, अधिष्ठात्री तुम्हार बसीभूत तो होए कि तुम्हारी प्रेम में बसीभूत तो हो करे, बोले श्री कर ग्रहम, कहते प्रभु तुम्हारी कर ग्रह मतलब तुम्हारे हाथ को पाने के लिए, जब लक्ष्मी ने कठोर तपस्या की जब भगवान संतुष्ट हो गए, बोले बर मांगो क्या मांगते हो, तो उन्होंने क्या बोले, बोले प्रभु हैं अगर देना चाहते हो हमें आपका रास में दर्शन करा, आपको साथ में हमारी शादी हो गई, कृपा कर हमारे हाथ को ग्रहण करो, कर ग्रह मेरे हाथ को आप ग्रहण करो, हैं हाथ को ग्रहण करो। भगवान बोले नहीं, अगर मेरे कर ग्रहण करना चाहते हो ना पहले तुमको ये लक्ष्मी अभिमान छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके गोपी गृह में जन्म लेना पड़ेगा, उनके घर में तुमको दधि मंथन करना पड़ेगा, कंडा भिन्नना पड़ेगा, उनके घर में झाड़ू लगाना पड़ेगा, अरे मेरे साथ में शादी नहीं किसी दूसरे गोप को साथ में शादी होगी, गोपियां जैसे परकिया रूप में मेरे को प्रेम करते हैं ऐसे प्रेम करना पड़ेगा, कर सकती हो, बोले सब काम तो कर सकता हूँ लेकिन शादी आपसे कर सकते हैं लेकिन और किसी दूसरे गोप से नहीं कर सकते, बोले फिर तो अभी भी तुम तपस्या करो, बोले जिस कर को पाने के लिए है, कहते जिस हाथ को पाने के लिए लक्ष्मी भी कठोर तपस्या कर रही है और वो भी जिस कर को पाने के लिए ब्रजवास की ब्रजवास करने की इच्छा करती है, ऐसे आपका जो कर है सर्व संपद राश भय नाश सब, कहते आपका जो कर है भगवान जिसको सर पर हाथ रखते हैं क्या होता है, कहते उसकी जितना डर है कोई निर्भय हो जाता है, और कहते अभीष्ट प्रद तुम्हारी जो इच्छा है सब इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाते हैं, जितने सारे संपद का जो आश्रय है तुम्हारी हस्त है, बोले हे प्रभु आपका अगर सर हमारे सर हाथ रखेंगे ना फिर क्या होगा, कहते हमारा जो विरह है तुम्हारी जो विरह है
कहते विरह नाश हो जाएगा, हैं, कहते अनुसंग के रूप में, और आपका एक तो विरह नाश होगा और सारे संपत्ति का भी हमें प्राप्त होगा। कहते आप कौन? बोले विष्णु धुर्जते, भगवान को उदाहरण दिया आप कौन हो, बोले आप विष्णु धुर्जत, मतलब बोले विष्णु कुल तिलक, मतलब विष्णु वंश में आप तिलक सदृश सर्वश्रेष्ठ रूप में है, इसलिए ब्रजराज नंदन नंदन अमार तुम्हार प्रतिपाल हमारे उपेक्षा करियो ना, कि हे प्रभु आप हम लोग उपेक्षा मत करो, आपका हम दासी है, आपके चरण के सेविका है, इसलिए आप हम सभी के ऊपर में कृपा करो और कृपा करके हमें दर्शन प्रदान करो। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे, कल फिर उसको बाद में सुन लीजिए, आप लोग सब नौकरी चले जाएंगे। ठीक है, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद।